ये वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, बड़े ही काम की चीज बता रहा हूँ। मुझे इस वीडियो में आप लोगों को ढेर सारी चीजें बतानी है जो हमारे परिवार में खुशहाली तो लाएगी, पितरों को भी तृप्त करेगी, परिवार की रक्षा करेगी, लक्ष्मी को भी ले आएगी। तो आइए जानते हैं इस तिथि के बारे में सब कुछ। आने वाले 2 सितंबर को भाद्रपद मास के दर्श अमावस्या है। सोमवार को पड़ने से यह सोमवती अमावस्या है और इसी दिन पिठोरी अमावस्या है और कुशोत्पाटनी या कुशग्रहिणी अमावस्या इसी दिन की होती है। इस दिन अमावस्या सुबह भोर से ही शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन सुबह 7:24 पर खत्म होगी। तो विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्या को पेड़ से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 2 तारीख को तो हम पूरे दिन नहीं तोड़ेंगे फूल पत्ते, लेकिन 3 तारीख की सुबह 7:24 तक हमें फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। यदि किसी का नियम हो कि भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना है तो वह पौधे के पास गिरे हुए पत्तों से भगवान की पूजा कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता को मिल जाता है। जी हाँ, तो यत्न पूर्वक आपको इस दिन दान का खाने से बचना है। अब आप लोग पूछते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं, दूसरों के साथ टिफिन शेयर करते हैं, खाते हैं, या कहीं रिश्तेदार के घर जाते हैं तो खा लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में मैं कहूंगा कि आप जितना हो सके अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचिए। हाँ, आपके पिताजी के घर का, मामा का यानी नानी के घर का, भाई के घर का, ससुराल और गुरुजी के आश्रम का अन्न आप खा सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। मैं तो कहूंगा कि यदि अमावस्या के दिन आप किसी मंदिर में भी जाइए तो आप प्रसाद तो लीजिए, बड़े आदर पूर्वक लीजिए, लेकिन कुछ दक्षिणा भी मंदिर में अर्पित करके आइए। देखिए, प्रसाद में दोष नहीं है, लेकिन अमावस्या है तो हमारे तरफ से भी कुछ दान हो जाए, सेवा हो जाए। अमावस्या के दिन आप जितना दान करेंगे वह सब फलित होगा। दान की बात आई है तो इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान कीजिए। पितरों के निमित्त आप गौ को चारा खिला सकते हैं, गरीबों में कुछ अनाज या वस्त्र बांट सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, आप जो भी पितरों के निमित्त दान करेंगे उसमें काला तिल जरूर मिला लीजिए। अब शायद आप लोग इस दिन किसी को कपड़े या जूते दान करें या कोई चीज वस्तु दान करें तो उसमें तिल कैसे मिलाएं? तो आप जो भी चीज वस्तु दें उसके साथ आप काले तिल का लड्डू भी दान कीजिए। पितरों की बात चली है तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। तो अमावस्या को आप जो भी पितरों के लिए कार्य करेंगे वह सब उन तक सूक्ष्म रूप तक पहुंचता ही है। हर अमावस्या को मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। पाठ नहीं कर सकते हैं तो पाठ को सुन लीजिए और उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। ये गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अपने इसी चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब पितरों को पुण्य कैसे अर्पण करना है? सबसे उत्तम काल कुतुब काल का होता है पितरों के लिए, यानी 11:40 से 12:25 तक। ये 40 से 45 का योग होता है। इसमें आप एक लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर काला तिल डालिए और कुशा डालिए। आप लोग पूछते हैं कि कुशा क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो किसी भी पूजा की दुकान पे जाइए, आप कुशा मांगेंगे तो आपको कुशा दे देंगे। तो लोटे में काला तिल और कुशा डालकर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए अथवा तो सुन लीजिए और इसी समय में यानी कुतुब काल में ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को आप अर्घ दीजिए। जिस लोटे में आपने जल रखा है उसमें देखते हुए आपने गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया, उसी लोटे के जल को अर्घ रूप में देना है। अर्घ कैसे देना है? तो आपके अंगूठे और पहले उंगली के बीच से पानी गिरे, इसको बोलते हैं पितृ तीर्थ। इससे पितृ तृप्त होते हैं। वीडियो में देखिए इस प्रकार से आपको अर्घ देना है। यदि पितृ आपके तृप्त होते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है, घर में उत्तम संतान आती है। यदि पितृ खुश हैं आपसे तो आपकी लाइफ बहुत उन्नत होगी। अब देखिए
ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, सोमवार के दिन पड़ने वाली है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पुष्कर एवं दिव्य अंतरिक्ष और भूमि के जो सब तीर्थ हैं, वे सोमवती अमावस्या के दिन जप ध्यान पूजन करने पर ये सभी तीर्थ विशेष धर्म लाभ जापक को प्रदान करते हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो इस दिन हम जो भी जप और पूजन करेंगे उसका फल समस्त तीर्थ एवं दिव्य लोकों के भी तीर्थ हमें उसका फल प्रदान करते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या में किया गया स्नान दान व श्राद्ध अक्षय होता है। अक्षय समझते होंगे आप लोग, अक्षय यानी जो कभी क्षय न हो, क्षय यानी नाश न हो, ऐसा पुण्य। जैसे स्वर्ग लोक में कोई जाता है तो जब तक पुण्य है तभी तक रहता है, पुण्य नाश हो जाता है तो स्वर्ग से उसे भगा दिया जाता है। लेकिन ये इस दिन ऐसा पुण्य लाभ हमें मिलता है कि ये पुण्य कभी नाश नहीं होगा। इस दिन हम जो भी जप ध्यान दान आदि करेंगे सब अक्षय हो जाएगा, तो इसका आप जरूर लाभ लीजिए। आगे सुनेंगे महिमा। सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करने से 1000 गौदान का फल मिलता है। स्नान कैसे करें? या तो उबटन लगाकर स्नान करें, या तो दही लगाकर स्नान करें, कुछ नहीं हो तो बाल्टी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें। आपके पास फिर भी कुछ नहीं हो तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान कीजिए, ये दिव्य स्नान है। लेकिन आपका स्नान इस दिन सूर्योदय के पहले हो अथवा तो सूर्योदय के आसपास हो, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सोमवती अमावस्या हो और यदि किसी ने तुलसी के पास घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा कर ली तो उसकी धीरे धीरे दरिद्रता खत्म होने लगती है। अब देखिए, शहरों में ऐसे बगीचे तो मिलते नहीं है जहां पर तुलसी लगी हो और आप लोग परिक्रमा कर लें, तो आप लोग इस प्रकार से व्यवस्था कीजिएगा कि घर में तुलसी का पौधा गमला हमने बीच में लगा दिया और परिवार के लोग वहां पर परिक्रमा कर लिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे द्वारा तुलसी जी का पत्ता न टूटे और हमने जो कपड़ा पहना है वो तुलसी जी को स्पर्श न हो परिक्रमा करते समय। यदि आपको गरीबी ने घेर रखा हो और दरिद्रता ने गला घोंट रखा हो और आपको लगता हो कि हमारे घर पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये छोटा सा 10 मिनट का प्रयोग आपको कर लेना है। ये आप हर अमावस्या पर कर सकते हैं। ये प्रयोग घर के बीच में ये करना है अथवा तो पूजा के स्थान पर भी इसे कर सकते हैं, छोटा सा हवन करना है। सामग्री में बता देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, सफ़ेद चंदन का पाउडर, गूगल, गुड़, देशी कपूर और गौ के गोबर का कंडा। अब विधि सुन लीजिए। गोबर के कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना लीजिए, फिर 8 चीज़ों को जो अभी बताई गई हैं उनको सब मिला लीजिए, उससे सामग्री बन जाएगी। फिर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इन 5 मंत्रों की आहुति दीजिए। देखिए, 5 मंत्र मैं आपको पहले बताता हूँ। एक मंत्र की आहुति आपको 11 बार देनी है। पहले 5 मंत्र सुन लीजिए, इन मंत्रों का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। अब देखिए, ये 5 मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र की आहुति आपको 11 बार देनी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे पहला मंत्र है ओम कुल देवताभ्यो नमः, तो आपको इसको 11 बार देना है। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जब भी आप आहुति डालें अग्निकुंड में, हवन कुंड में, तो आपको स्वाहा जरूर बोलना है। इससे अग्नि का मुख खुलता है और हमने जो डाला है वो देवताओं तक पहुंचता है। अब इतना तो हर कोई कर सकता है, इसमें 10 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे आपके पितृ और स्थान देवता, ग्राम देवता सब प्रसन्न मिलेंगे आपसे। थोड़े ही दिनों में गरीबी दूर होगी,
स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, समृद्धि और मन की प्रसन्नता दिखने लगी। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा कीजिए। अब सबसे मुख्य बात सुन लीजिए, ये अमावस्या जो है इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। कुशोत्पाटनी, इसका अर्थ समझिए, कुश एक घास होता है और उसका उत्पाटन यानी उसे उखाड़ना, तो इसे कुशोत्पाटन कहते हैं। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या है इसी दिन। देखिए, तिथि है अमावस्या की। इस दिन शास्त्र कहते हैं कि फूल पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन यही शास्त्र बताते हैं कि कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा को उखाड़कर घर में लाना चाहिए और इसे वर्ष भर पूजा पाठ और पितृ कर्म में उपयोग करना चाहिए। इसको उखाड़ने की विधि भी है शास्त्रों में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि कुशा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हर पूजा पाठ में। देखिए, हमारे घर में भी हम जब भी पूजा पाठ कराते हैं, ब्राह्मण देवता हमको कुशा का रिंग पहनाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। पितृकर्म में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुशा का भरपूर उपयोग होता है, उसी से तर्पण किया जाता है, पिंडों पर कुशा रखा जाता है, कुशा के आसन पर बैठा जाता है। तो कुशा इतना यूजफुल क्यों है? शास्त्र कहते हैं, पूजा काले सर्वदेवे कुशहस्तो भविच्युचि, कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। शॉर्ट में इसका अर्थ समझे कि कुशा के बिना पूजा विफल है। एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विंता। कद्रु और विंता दोनों महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थीं। महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा भावना से अभिभूत हो वरदान मांगने को कहा। तो पहली पत्नी कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। दूसरी पत्नी विंता ने कहा कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी साधना में तल्लीन हो गए। देखिए, कथा लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। कद्रु के पुत्र सर्प रूप में हुए, यानी कद्रु माता के जो भी पुत्र हुए वे सांप हुए, जबकि विंता के 2 प्रतापी पुत्र हुए जिनमें से 1 गरुड़ जी हुए। किंतु विंता को भूल के कारण कद्रु की दासी बनना पड़ा। छल से कद्रु ने विनिता को अपनी दासी बना लिया। अब देखिए, विनिता के जो पुत्र हैं गरुड़ जी, इनको जब पता चला कि माँ की ऐसी दुर्दशा है, दासत्व उनको स्वीकार करना पड़ा और ये छल से किया गया, तो गरुड़ जी ने मुक्ति का प्रस्ताव कद्रु के पुत्रों के सामने रखा, यानी सर्पों के सामने रखा। कद्रु के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दें तो वे विंता को अपने दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी ने उनकी बात स्वीकार कर अमृत कलश स्वर्ग से लाकर दे दिया और अपनी मां विंता को दासता से मुक्त करवा लिया। यह अमृत कलश कुश नामक घास पर रखा था, जहां से इंद्र इसे पुनः उठा ले गए तथा कद्रु के पुत्र यानी सर्प अमृत पान से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत की कि इंद्र अमृत कलश उठा ले गए। गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है, हाँ यदि तुम सब इस घास को जिस पर अमृत कलश रखा था जीभ से चाटो तो तुम्हें आंशिक लाभ होगा। कद्रु के पुत्र कुश को चाटने लगे जिससे कि उनकी जीभें चिर गई और वे छटपटाने लगे। इसी कारण आज भी सांपों की जीव 2 भाग वाली चिरी हुई दिखाई पड़ती है, किंतु कुश घास की महत्ता अमृत कलश रखने के कारण और बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इसे पूजा कार्य में प्रयुक्त किया जाने लगा। कुशा के आगे का हिस्सा बड़ा ही तीखा होता है, धारदार होता है, इसलिए कोई बुद्धिमान होता है ना तो उसको बोलते हैं कि ये तो कुशाग्र बुद्धि वाला है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कि ये शार्प माइंडेड है। ये कुशाग्र बुद्धि कुशा से ही लिया गया। तो कुशा महिलाओं की सुरक्षा करने में भी रामबाण है। जब लंकापति रावण सीता माता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका ले गया, उसके बाद वह बार बार उन्हें प्रलोभित करने जाता था और माता सीता इस कुशा को अपना सुरक्षा कवच बनाकर रावण से बात करती थी
जिसके कारण रावण सीता के निकट नहीं पहुंच सका। देखिए कितनी अद्भुत सीख है इस प्रसंग से कि कुशा जिसके पास है उसके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, बुरे विचार नहीं आते हैं। जो माताएं या बहनें मासिक विकार से परेशान हैं, उन्हें कुशा के आसन और चटाई का विशेष दिनों में प्रयोग करना चाहिए। पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यों में कुशा का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है। दूसरा प्रसंग आता है कुशा को ही लेकर कि जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर समुद्र तल में छिपे महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर बाहर निकाले तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। देखिए भगवान यहाँ पर वराह रूप में है। ऐसे ही जब कोई हमने जानवर को देखा होगा, जब उसके ऊपर जल गिर जाता है अथवा तो जल से निकलता है बाहर तो अपने शरीर को फटकारता है, जल को छिड़कता है, तो ऐसे ही वराह रूपधारी भगवान ने भी अपने शरीर को छिड़का। तो जब भगवान ने ऐसे किया तो उनके रोमकूप पृथ्वी पर गिरे, वही कुशा के रूप में प्रकट हुए। कुशा ऊर्जा की कुचालक है, इसलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा वंदना उपासना या अनुष्ठान करने वाले साधन की शक्ति का क्षय नहीं होता, परिणाम स्वरूप कामनाओं की अविलंब पूर्ति होती है। जो कुशा के आसन पर बैठकर जप करते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कैसे? क्योंकि उनका जप ध्यान फलित होता है। वेदों ने कुशा को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलाने से रोकने वाला बताया है। कुशा का प्रयोग पूजा करते समय जल छिड़कने, उंगली में पवित्री पहनने, विवाह में मंडप छाने तथा अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इस घास के प्रयोग का तात्पर्य मांगलिक कार्य एवं सुख समृद्धि है, क्योंकि इसका स्पर्श अमृत से हुआ है। कुश जब पृथ्वी से उत्पन्न होती है तो उसकी धार बहुत तेज होती है, और सावधानी पूर्वक इसे तोड़ने पर हाथों में चोट लग सकती है, हाथ में चीरा लग जाता है, खून निकल जाता है। पुरातन समय में जब कोई शिष्य गुरुकुल में भर्ती होने के लिए जाता तो गुरुजन उनको कहते कि जाओ आप कुशा उखाड़ कर ले आओ। जब वे विद्यार्थी कुशा उखाड़ कर ले आते और अपने गुरुजी को देते तब गुरुजी उस समय उनके हाथ का निरीक्षण करते, तो जिस विद्यार्थी का हाथ नहीं कटा होता उस विद्यार्थी को कुशल कहा जाता था, और जिसका हाथ कट जाता था उसे उत्तम शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए उसे अलग से छांट दिया जाता था। तो ये गुरुकुल पद्धति में भी इसका उपयोग किया जाता था। इससे सदपात्रों का पता चलता था कि कौन कुशल है। तो 2 सितंबर को हमको भी कुशा उखाड़कर घर लाना है। इस दिन उखाड़कर लाया हुआ कुशा घर में रखने से घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती, घर परिवार के ऊपर कोई जादू टोना का असर नहीं होता। ये कुशा का इतना दिव्य प्रभाव है। अब देखिए गांव में भी आजकल कुशा मिलना बड़ा कठिन हो गया है धरती पर लगा हुआ, और कुशा यदि आप लोग शहर में रहते हैं यदि आप लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी मिले, मान लीजिए ये सेकेंडरी ऑप्शन में दे रहा हूँ, यदि नहीं भी मिले तो भी आप लोग इस दिन कुशा कहीं मार्केट आदि से मिल जाए तो उसे लाकर अपने घर में रखिएगा। सबसे पहला प्रयास आपको ये करना है कि कुशा आप लोग उखाड़िए, धरती पर लगा हुआ कुशा आपको उखाड़ना है। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ, आगे सुनिए। 1 तारीख को, देखिए 2 तारीख को अमावस्या है यानी एक दिन पहले, 1 तारीख को कभी भी आप कुशा को जाकर आमंत्रित करके आए कि हम आपको कल घर ले जाएंगे। फिर 2 तारीख को यानी अमावस्या के दिन आप खुरपी लेकर जाएं जिससे कुशा के आसपास थोड़ी जमीन उसकी ढीली कर सकें, क्योंकि इस कुशा को एक झटके में उखाड़ना होता है। देखिए ये श्लोक है, इसका अर्थ है कि इसमें से जो कुछ भी कुश इस तिथि को मिल जाए वही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा यदि आप लोग उखाड़ नहीं सकते हो तो मार्केट से खरीद कर भी ले आइए, भले कुछ तो आपको लाभ मिलेगा। जिस कुश में पत्ती हो, आगे का भाग कटा ना हो और हरा हो, वह देव तथा पित्र दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। कुश निकालने के लिए इस तिथि को सूर्योदय के समय यानी सुबह में
उपयुक्त स्थान पर जाकर जहां हमने कुशा को आमंत्रित किया है वहां पर जाकर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और मंत्र पढ़ते हुए दाहिने हाथ से एक बार में उखाड़ें। अब ध्यान दीजिएगा आगे मंत्र क्या है। विरंचिना सहुत्पन्ना परमेष्ठि निसर्गज नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। इस मंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये मंत्र किसी को नहीं आता हो या संस्कृत कोई नहीं पढ़ सकता हो तो आप कुशा को स्पर्श करके ओम बोलिए। कुशा को स्पर्श किया ओम ऐसे बोलिए और कुशा को उखाड़ते समय हुम फट बोल के उखाड़ना है एक झटके में। हुम फट कुशा को उखाड़ लिया, यही शास्त्रों में बताया गया है। ये श्लोक देखिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपको जल्दी लोग नहीं बताएंगे। ध्यान रखना है कि कुशा को हाथ के पितृ तीर्थ से ही उखाड़ना है। मैंने आपको बताया था ये पितृ तीर्थ है, जैसे हम लोगों ने जल दिया ना वो स्थान पितृ तीर्थ का है। अब इस वीडियो में देखिए कि पितृ तीर्थ से कैसे पकड़कर उखाड़ना है। कुशा को आप अपने घर में कोई भी स्थान पर रख सकते हैं, पूजा के स्थान में भी रख सकते हैं अथवा तो घर में कहीं भी आप रख सकते हैं। बस आप इस अमावस्या का भरपूर लाभ ले लीजिएगा और औरों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपने महीने में केवल अमावस्या तिथि को ढंग से संभाल लिया ना तो आपका जीवन बड़ा ही सुखमय होने लग जाएगा। जी हाँ, जितने भी मैंने उपाय बताए हैं इसे आप कीजिए अमावस्या के दिन। ये कुशोत्पाटनी अमावस्या तो केवल कुशा उखाड़ने वाली अमावस्या साल में एक बार आती है, बाकी इसके पहले जो भी मैंने बताया है वो आप लोग हर अमावस्या को कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैंने लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं और यदि आपको फिर भी लगता है कि कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और उसमें निसंकोच होकर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। हरे कृष्ण।